फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एंड मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब अभी घर में बैठे होंगे और घर में बैठ के सोच रहे होंगे यार 3 मई तक लॉकडाउन की डेट बढ़ चुकी है और इस लॉकडाउन की डेट में अब हम करें क्या घर पे बैठ के। तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को क्या नॉलेज दूं कि जिससे कि आपका जो नॉलेज का लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पे सर्वे कर रहा था और मैंने देखा कि यार इसमें जो प्रोफाइल्स हैं ये मैक्सिमम प्रोफाइल में चाहे स्ट्रक्चर की प्रोफाइल हो, चाहे बीम की प्रोफाइल हो, या फिर हाईवे इंजीनियरिंग की प्रोफाइल हो, या सर्वे की हो, या क्वांटिटी टेक ऑफ की हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की, या फिर इन्वायरमेंट की, जो मैक्सिमम ओपनिंग आपको लॉकडाउन के बाद भी मिल सकती है वो होंगी बीम की। किसकी होंगी? बीम की होंगी। तो क्यों ना हम बीम पे ही फोकस करें, बीम इन द सेंस BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पे ही फोकस करें और इसी के बारे में डीप नॉलेज ले। और कितना अच्छा होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके इस लॉकडाउन में अपने बीम के नॉलेज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। एक्चुअली दोस्तों बीम में जो बीम होता है, इस बीम में कई चीजें जुड़ी होती है। जैसे कि सबसे पहले बीम में आता है आपका 2D, उसके बाद आता है 3D, उसके बाद आता है 4D, उसके बाद आता है 5D, उसके बाद आता है 6D, उसके बाद आता है 7D। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट उसके जो डिटेलिंग का लेवल होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो मैंने सोचा कि अब हम डेली आपके लिए एक वीडियोस लेके आएंगे यूनिक में 5 o'clock पे। कुछ दिन तक हम लोग, जब तक हमारे पास लॉकडाउन है तब तक हम अपने बीम के नॉलेज को इंक्रीज कर लेते हैं। ये नॉलेज जो भी आपका रहेगा, कोशिश करता हूँ मैं इसको PDF फॉर्म में रखूंगा और जिससे कि आपको मैं PDF दे भी सकूं। सो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बीम के अंदर बहुत कुछ आने वाला है। मैं तो जरूर कह सकता हूं कि बीम में इतना कुछ है कि हम कम से कम उसको 3 महीने पढ़ेंगे तब जाके फिनिश होगा। बट जितना उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको चाहिए ही चाहिए, कि आपको आना ही चाहिए, मैं उनको आप तक ले आने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियोस कल से आनी स्टार्ट होने वाली होंगी। कल इन द सेंस मैं फिर से एक छोटा सा टारगेट रखूंगा, बट इस बार टारगेट थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, क्योंकि मेरा डेली का 2-3 घंटे इसमें लगने वाला है PPTs तैयार करने में। इसमें मेरे पास कोई साथ में एम्प्लॉय भी नहीं है, तो PPTs खुद से तैयार करनी पड़ेगी और तैयार करके आप तक प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप इसमें जब मेरे 3 घंटे लगेंगे तो आप 300 likes इस वीडियो पे करो। उसके बाद देखना मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सीरीज में बीम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या आपको आना चाहिए, उन पे मैं डीप में जाके डिस्कस करने वाला हूं। इन द सेंस कि 2D के बारे में, 3D के बारे में, 4D के बारे में, 5D के बारे में, 60, 70 सब के बारे में डीप आपको बताने जा रहा हूं। बस उससे पहले मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो इस वीडियो को वायरल कर दो। आज का यही एम था मेरा कि मैं पहले आपसे परमिशन लूंगा। परमिशन आपका कैसे मिलेगा? आपके थ्रू मिलेगा, आपके लाइक के थ्रू मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि बीम का इंट्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे लेके जाऊं मैं और उसमें मैं आपसे डिस्कस करूं कि LOD क्या होता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा LOD 100 का मतलब क्या होता है, LOD 200 का मतलब क्या होता है, 300, 350, 400, 500 इनके डिफरेंस मतलब क्या होते हैं, इनके डिफरेंट मतलब क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं कि 4D है क्या एग्जैक्टली, कि उसके अंदर हम लोग टाइम के साथ एनिमेट करते हैं, अच्छा टाइम के साथ एनिमेट करने की जरूरत क्या होती है, टाइम के साथ वॉक थ्रू क्यों बनाते हैं, टाइम के साथ शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, आप चाहते हो कि इनके बारे में डिस्कस किया जाए। जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कॉलेज में, उसी तरीके से बीम का एक पूरा एक क्लास होता है। बीम बहुत बड़ा है जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और बोले हाँ सर आप तैयार करिए बीम। ये छुट्टी की वजह से मैं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे पास भी थोड़े से टाइम है, तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा कि चलो ठीक है अभी बीम की PPTs बना के आप तक मैं लेके आता हूं। बट ये क्योंकि 3 मई तक एक तरीके से अगर देखें तो हम लोग का बहुत लॉस होने वाला है, मीन्स हमारे इंडिया की इकोनॉमी घटने वाली है और साथ ही साथ हमारी खुद की इकोनॉमी घटने वाली है। लेकिन अगर हम इस 3 मई तक में अपने स्किल्स को ऐड कर दें तो क्या पता कल को हम अपने स्किल्स के दम पे थोड़ा सा ज्यादा इकोनॉमी लेने लगेंगे और हम अपने इंडिया की अर्थव्यवस्था को भी इंक्रीज कर पाएंगे, मींस और ज्यादा काम करके हम अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा बीम आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं बीम की क्लासेस स्टार्ट करूं तो प्लीज नीचे कमेंट करो, साथ ही साथ 300 likes मुझे दो। 300 likes तो मैं आपको लगभग 10 क्लास में बीम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली बीम। उससे क्या होगा कि आप कहीं पे सीखने भी जाओगे अगर बीम के बारे में तो आपको बहुत सी चीजें बीम की पता रहेंगी। आप बोलोगे अच्छा ये है क्या, ये तो हमको पता है, सर ने बताया है। तो मैं मैक्सिमम चीजें आपको कवर करके देने वाला हूं। सपोर्ट करिए और फटाफट शेयर कर दीजिए लोगों के साथ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए मेरे से और हम लोग एक साथ कल से 5 o'clock पे यूनिंग डॉट एकदम 5 o'clock पे आपको वीडियो मिल जाएगी और डीप में
जाने वाले हैं, मीन्स उसमें हम लोग लेवल ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, शेड्यूलिंग बता दिया मैंने आपको, शेड्यूलिंग भी बताएंगे, वॉक थ्रू भी कैसे उसमें होता है और क्यों होता है उसके बारे में रीजन करेंगे, 6D के अंदर क्या आता है वो भी बताऊंगा आपको, 7D भी क्या आता है वो बताऊंगा, इन सब के लिए 7D के लिए, 6D के लिए, 5D के लिए, 4D के लिए, 3D के लिए, 2D के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, मीन्स ओवरऑल फुल इंट्रोडक्शन क्लास में आपको भीम का देने जा रहा हूँ। सो बस इसका आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप परमिशन दीजिए कि इफ यू वॉन्ट आप मुझे परमिशन दीजिए, और सेकंड थिंग इतने लोगों तक तो पहुंचा दीजिए कि कल जब वीडियो आए तो अच्छा ठीक है वो देखते ही मुझे अंदर मोटिवेशन आ जाए कि यार अब तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अब तो मुझे और करना है। सो प्लीज इसको शेयर करो क्योंकि मेरा टारगेट ये है, एक्चुअली मैं आपको भी अपना टारगेट बता देता हूँ, टारगेट ये है कि मुझे 3 मई तक मैंने टारगेट किया कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं इनको मुझे 10,000 सब्सक्राइबर में हमारी फैमिली 10,000 लोगों की हो जाएगी, ये करने का मेरा टारगेट है। दूसरा टारगेट ये है कि मैं भीम के बारे में इतना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली भीम होता क्या है, कैसे लोग आपको कन्फ्यूज करते हैं वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैंने अपने चैनल पर सभी यूनिक कंटेंट डाले हैं तो ये भी सबसे बड़ा वाला यूनिक कंटेंट आने वाला है, शायद ये आपको YouTube पे या कहीं पे भी नहीं मिलने वाला होगा क्योंकि मैंने खुद इसके लिए बुक्स पढ़ रहा हूँ और बुक्स से मैं डिटेलिंग्स निकाल निकाल के आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो सबको पता होता है और मतलब मुझे तो पता होता है क्योंकि मैं टीच कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टीच कर रहा हूँ, बट उसके अलावा जो सर्वे है जो मीन्स इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके लिए मैं सर्वे कर रहा हूँ खुद, और सर्वे करके मैं क्वेश्चंस निकाल के आप तक लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज आज से इस वीडियो को वायरल करना स्टार्ट कर दो और कल तक भी शेयर करते रहो और कल वाले वीडियो को भी शेयर करना, मिलते हैं आपसे कल। और आज मैं जा रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या कंटेंट लेके आना, मैं शेड्यूलिंग करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या टॉपिक लेके पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सो सपोर्ट करो, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, अभी आप घर पे बैठे हो मैं भी घर पे बैठा हूँ तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद अच्छा होगा। जय हिंद जय भारत, हमारे इस अच्छे काम के लिए आप नीचे जय हिंद भी लिख सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।